सीएससी में जैसे डेली एक न्यू सर्विस लाइव होता है, उसी तरह सीएससी के थ्रू पर माउंथ एक वैकेंसी निकालता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं अगर आपको जॉब करना है तो कैसे अप्लाई करना है। और इसमें आपको 25,000 रुपया मंथली मिलने वाला है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, सिलेक्शन हो जाते हो, तो 25,000 रुपया करके मंथली मिलने वाला है। और इसमें होता क्या है, पर माउंथ वैकेंसी तो निकलता है लेकिन अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो चलिए अगर आपको जॉब करना है 25,000 में तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो होम पेज में cc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब DM लेवल में एक वैकेंसी निकला है। उससे पहले भी यहाँ पर निकला है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर। तो कर्नाटका और जम्मू कश्मीर आज लास्ट डेट है, अगर आप चाहो तो आज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो है लास्ट डेट 3 मार्च तक है। तो चलिए हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो बता देते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्लिक करोगे, यहाँ पर याद रखोगे अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हो तो ही अप्लाई करोगे तो बेहतर होगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब है उसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप अलग डिस्ट्रिक्ट में हो तो आपको अलग जगह जॉब दे दिया जाएगा और वहां जाके आपको काम करना पड़ेगा, तो आप ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर देखो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ तक है और नंबर ऑफ दी वैकेंसी, तो यहाँ पर देखो 16 वैकेंसी है मतलब 16 पोस्ट है। और इसमें कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखो चंगलंग, दिबांग वैली, पता नहीं किस तरह का नाम है। तो यहाँ पर देख लोगे आप अरुणाचल प्रदेश से हो और इस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है। तो CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में DCS सर्टिफिकेट होना चाहिए मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 6 माउंथ का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ जो CCC लेवल का जो एक सर्टिफिकेट मांग रहा है वो न्यायलेट से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैलरी जो लिखा गया 25,000 रुपया सैलरी मिलने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्लिक करोगे, ये पेज खुलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। तो आप कौन से लेवल में आप अप्लाई करना चाहते हो, स्टेट लेवल में, तो हो सकता है स्टेट लेवल में आपका जो सैलरी है वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पर वो बता के रखा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट करते हैं। फिर रेसिडेंट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ रेसिडेंट स्टेट और रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करोगे, तो हम यहाँ पर यही सेलेक्ट करेंगे जो वहाँ पर चंगालंग, यहाँ पर देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट नाम लिखा गया है। अगर आप कुछ अदर स्टेट सेलेक्ट करते हो या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो, यहाँ ये लिस्ट में दिया गया है उसके अदर, तो यहाँ पर वो आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम अप्लाई में क्लिक करेंगे, तो अप्लाई में क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पूछा रहा है आपका फोटो अपलोड करो मैक्सिमम 100 KB के अंदर, और एक रिज्यूम अपलोड करो मैक्सिमम 100 KB के अंदर। प्रोफाइल में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्ट किए हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्ट कर देना, अपना नाम, आपका फादर नाम, आपका DOB, लंबा चौड़ा फॉर्म है नहीं, आपका सेक्स क्या है, मेल फीमेल वो डालना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना स्टेट सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो सिलेक्ट कर दोगे, फिर आपका एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे, हाई क्वालिफिकेशन डालोगे, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, जैसे CCE गवर्नमेंट, CUID, एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कितने साल से प्रोजेक्ट मतलब आप जॉब किए हो तो कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बता दोगे, तो यहाँ 2 साल कर देते हैं, यहाँ भी 2 साल कर देते हैं। कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेट यस कर दोगे, फिर यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएट एग्जाम सेलेक्ट करोगे, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर PG है तो PG सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर सबमिट में क्लिक करोगे। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लिया जाएगा और यहाँ लास्ट डेट जो है 6 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। तो आज से हो गया, आज 25 फरवरी हो गया, तो इसमें अभी बहुत टाइम है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी अदर स्टेट के हो तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अभी मध्य प्रदेश वाला देख लेते हैं सबसे लास्ट वाला, और हो सकता है ये लास्ट 25 तक होगा ही, तो यहाँ पर देखो ये 25/2 मतलब आज का डेट लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 25, आज का लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप इन 5 स्टेट से हो तो इनमें अभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पर एक और चीज, अगर आप एक वैली हो तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये साफ साफ कहीं पर लिख के रखा है,
हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, नॉट एप्लीकेट, ये देखो वेली आर नॉट एलिजिबल अप्लाइंग फ्रॉम दिस पोस्टिंग। तो वेली ये एलिजिबल नहीं है वेली के लिए, अगर आप कुछ अदर्स काम करते हो या फिर आपका घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कोई काम नहीं, अभी बेकारी है, बेरोजगार है अभी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, मिलते फिर एक नए वीडियो में नए के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।